हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त केके मैम। मैट्राइसेस शुरू कर चुके हैं, मैट्राइसेस के टाइप्स, हम टाइप्स को भी शुरुआत कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देखे कि मैट्राइसेस के बेसिक टाइप कौन से हैं, जैसे कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज हम कुछ आगे के टाइप्स देखेंगे। आज हमारे टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस खत्म हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। दोनों को मिला के कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होते ही है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स होंगे जीरो और ऊपर के एलिमेंट्स की वैल्यू प्रेजेंट होगी। मतलब ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अगर नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो है और ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है और नीचे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसे हम कह देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स जीरो होंगे। अगर नीचे के एलिमेंट्स जीरो है, ऊपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट जीरो है, नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों को मिला के कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब A11 is equals to A11, A22 is equals to A22, A33 is equals to A33, A21 is equals to A12, A31 is equals to A13, A23 is equals to A32, IJ is equals to JI। तो अगर मैं मैट्रिक्स निकालती हूँ, लेट्स ड्रॉ मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स निकालती हूँ तो अभी ये तो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है A11, A22, A33, तो ये तो इनके जगह पे ही रहेंगे। यहां पे मेरा एक एलिमेंट है A12 और A21 सेम रहेगा, A13, 31 सेम रहेगा, 23 और 32 सेम रहेगा। सो A11, A22, A33 ये तो सेम है ही, बट A12 इज इक्वल टू A21, A13 is equals to A31, A23 is equals to A32। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री फॉर्म हो रही है, एक सिमेट्री तैयार हो रही है, HH, GG, FF। अबाउट दिस डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट सिमेट्री तैयार हुई है, इसलिए हम कहते हैं इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिए बस, AIJ is equals to AJI। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो यहां पे अगर एच है तो यहां पे भी एच होगा, बस माइनस साइन के साथ, साइन चेंज के साथ। अगर यहां पे जी है तो यहां पे भी जी होगा, बस साइन चेंज के साथ। अगर यहां पे एफ है तो यहां पे भी एफ होगा, बस साइन चेंज के साथ। तो अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, then that is called as skew symmetric matrix। आखिरी टाइप है singular matrix। matrix को हम singular matrix तभी कहते हैं दोस्तों जब उस matrix का अगर हम determinant निकालते हैं और अगर determinant की value आती है zero। अगर matrix का determinant निकालने के बाद उसकी value आ गई zero तो उसे हम कहते हैं singular matrix। For example, एक matrix बनाते हैं 6384, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका मैं डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालती हूँ। ये डिटरमिनेंट 6424 माइनस 8324 व्हिच इज इक्वल टू 0, देखो 24 माइनस 24 इज 0।
तो ये जो मैट्रिक्स थी 6384, ये जो 2x2 की मैट्रिक्स थी, इसका अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू आ रही है 0, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स. और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर वैल्यू नहीं आती है 0, देन दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0, सिंगुलर मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आई 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ये मैट्राइसेस के आखिरी कुछ टाइप्स है. अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के या ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे. अगर नीचे के एलिमेंट 0 है, ऊपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर ऊपर के एलिमेंट 0 है, नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. सो ए 12 इज इक्वल टू ए 21, ए 13 इज इक्वल टू ए 31, ए 23 इज इक्वल टू ए 32. और डायगोनल एलिमेंट्स तो वहीं पे रहेंगे. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आर. तो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे भी एच होगा, बस साइन चेंज के साथ. यहाँ पे जी है तो माइनस जी, एफ है तो माइनस एफ. एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए 0. तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस. आगे हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, मतलब मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वालिटी, इनवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आगे के वीडियो को देखना मत भूलिए. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.